रुड़की के आशीर्वाद इनक्लेव विकास समिति व वसुंधरा इनक्लेव के निवासियों ने कॉलोनी में अवैध रूप से बह रहे नाले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि रुड़की के सरकारी अस्पताल की तरफ से एक नाला आ रहा है जो अवैध रूप से कॉलोनी की तरफ छोड़ा गया है। इस नाले में अस्पताल का कचरा, गंदे कपड़े, सिरिंज, खाली दवाइयों की बोतलें आदि बहती रहती हैं, जिससे भारी संक्रामक बीमारियों का फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। आज कॉलोनी वासियों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि सुबह हुई हल्की सी बरसात में इस अवैध नाले ने विकराल रूप ले लिया, जिसके कारण दोनों कॉलोनियों में बदबूदार पानी भर गया है और कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। लाइव उत्तराखंड के लिए रुड़की से संदीप चौधरी की रिपोर्ट। और यहाँ निगम ने एक नाला का निर्माण करवाया था, जिसमें लगभग 50 लाख की वो योजना थी, और नाला का निर्माण हुआ था। हॉस्पिटल वाला जो नाला आ रहा है उसमें पानी यहाँ से होते हुए चुंगी पर जाना था, लेकिन उस नाले का जो मुंह है मोड़ दिया गया और वो जो सारे कॉलोनी का जो हॉस्पिटल का गंदा पानी है, सिरिंज है, और वो आज बहुत थोड़ी बरसात हुई और उसमें हमारे जो कॉलोनी वालों का बहुत बुरा हाल हो गया। यहाँ पर आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये देखिए क्या हाल है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे जो है मकान है हमारे कॉलोनी वालों का, यहाँ पर सांप निकले हैं और बहुत ही बुरा हाल है। मतलब आज बहुत थोड़ी बरसात हुई और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में क्या हाल होगा। प्रशासन, नगर निगम मौन होकर के बिल्कुल कुंभकर्ण नींद सोया हुआ। नगर निगम ने अस्पताल और रामनगर का गंदा पानी भी इस नाले में डाल दिया अवैध रूप से, जबकि उन्होंने हॉस्पिटल के लिए एक नाला जो 50 लाख की लागत से 2 साल पहले बनवाया उसको आज तक उसने चालू नहीं किया। मैं उनसे पूछता हूँ कि वो नाला किस लिए बनाया गया जबकि उन्होंने उसमें पानी आज तक चालू ही नहीं किया और अवैध रूप से एक प्राइवेट कॉलोनी के अंदर वो अपना गंदा नाला छोड़। नाला बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल सब कुछ तैयार है, पर उसके अंदर आज तक उन्होंने पानी नहीं छोड़ा और सारा पानी इधर छोड़। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।